हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज का ये 3.17 क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि इसमें बहुत डाउट आता है कि सारी रिएक्शंस पॉसिबल हो जाएंगी इस तरह से, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। तो नाउ कम टू द डिस्कशन। इसमें देखिए आप, फर्स्ट क्या दिया गया है आपको, Fe3+ एंड I- दिया गया है। इसमें रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी ये हमें बताना है, फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो पहले सिचुएशन के बारे में सोचिए कि Fe3+ है, ये किस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। Fe3+ इलेक्ट्रॉन दे करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है इस कंडीशन में। तो इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2+ में भी जा सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, Fe सॉलिड में भी जा सकता है। अब ये Fe2+ में जाएगा या Fe सॉलिड में जाएगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपको E0 वैल्यू क्या दी गई है। तो यहाँ देखिए रेडॉक्स कपल की कौन सी E0 वैल्यू दी गई है, Fe3+ Fe2+ रेडॉक्स कपल की वैल्यू दी गई है। मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो एज्यूम करना है वो ये करना है कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2+ में जाएगा, ठीक है। I- के बारे में देखिए, तो I- की सिचुएशन क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, अगर ये लेगा तो और ज़्यादा निगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, जबकि हैलोजन पे केवल एक माइनस चार्ज होता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होता। इसका मतलब इसकी सिचुएशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके I2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्लियर हो गई पिक्चर कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे। Fe2+ I2 सॉलिड। अब I- एक आई से तो बनेगा नहीं, 2I, जब आप 2 करेंगे तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड रिएक्शन के बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है Fe का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये काय का काम करेगा इस रिएक्शन में, जब सेल बनेगी तो Fe कैथोड का काम करेगा। और अगर फिजिबल होगी तो, फिजिबल नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगर होगी तो ये कैथोड का और ये एनोड का काम करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, I- इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका क्या हो रहा है, I- का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ना लिख के थोड़ा नीचे लिख दें, जहाँ जिसलिए हमें यहाँ ऑक्सीडेशन लिखने की जगह मिले। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, वो एनोड का काम कर सकता है अगर सेल एस्टेब्लिश होती है तो। अब देखिए फिजिबल होगी नहीं होगी ये डिपेंड करता है E0 सेल से। E0 सेल क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। आप चाहें कि इससे बनी हुई सेल को रिप्रेजेंट करिए तो आप रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये साल्ट ब्रिज हो गया, ये एनोड, ये कैथोड हो गया। एनोड पर क्या हो रहा है, I- से I2 बन रहा है, I- इज कन्वर्टिंग इनटू I2। एंड कैथोड पर क्या हो रहा है, Fe3+ एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe2+ एक्वस, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन में है, उनको हम आगे सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखते हैं। तो E0 सेल क्या हो गया, E0 सेल हो गया आपका E0 कैथोड। कैथोड मतलब Fe का कितना है, 0.77 वोल्ट है। और माइनस एनोड, एनोड मीन्स I- का कितना दिया है, 0.541 वोल्ट दिया है, 0.541 वोल्ट। तो इसको घटाना है, इधर 2 है इधर 3 है, तो यहाँ पे अपन 0-1 बढ़ा लेते हैं, 10 में से 11-9, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 0.229 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव का आया है, पॉजिटिव E0 वैल्यू है। इट मीन्स रिएक्शन विल बी फिजिबल। रिएक्शन कैसी है, पॉजिटिव E0 वैल्यू है, इट मीन्स रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो इस तरह से आपको देखना है। दूसरे में भी देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से।
तो दूसरा है अपना Ag प्लस एंड Cu, तो Ag प्लस एंड Cu सॉलिड। यहाँ देखिए Ag प्लस और Cu में क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन देने की है लेने की, अपना कॉमन सेंस लगाइए। Ag प्लस दोनों कंडीशन देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ ले सकता है, अगर लेगा तो क्या बनेगा, Ag सॉलिड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा लॉस करेगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। आपने पढ़ रखा है Ag पे प्लस चार्ज स्टेबल होता है, प्लस वन चार्ज, और इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी ये Ag सॉलिड ही बना सकता है और कुछ बना नहीं सकता। कॉपर इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव आयन मेटल नहीं बनाते हैं, मेटल पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देने के कंडीशन में, यानी ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बना सकता है, और कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन दे करके Cu2+ एक्वस में कन्वर्ट हो सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों से अगर सेल बनाई जाएगी तो सेल क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, वो भी देख लीजिए। Ag प्लस से Ag बन रहा, यानी Ag कैथोड का काम करेगा, और Cu सॉलिड से Cu2+ बन रहा है, यानी ये एनोड का काम करेगा। तो ये साल्ट ब्रिज, ये एनोड और ये कैथोड, इस तरह से हम इनसे बनी हुई सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए देखते हैं रिएक्शन होगी नहीं होगी, उसमें हम लेंगे E0 सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का काम अभी कौन कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए, Ag प्लस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब Ag प्लस किसका काम करेगा, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड का काम करेगा। और Cu सॉलिड से Cu2+ बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड का काम करेगा, ठीक। अब आ जाइए E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड है, यानी सिल्वर का कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, सिल्वर का दिया है 0.80 वोल्ट, और एनोड यानी कॉपर का कितना दिया है 0.34 वोल्ट। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, 0.46 वोल्ट आ गया, पॉजिटिव है, इट मीन्स रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान लगा करके करना है। देखिए थर्ड वाले में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, Fe3 प्लस एंड Br माइनस, एंड Br माइनस एक्वस दिया गया है, तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, सोचिए अभी की कंडीशन में Br माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर के हायर और ज़्यादा निगेटिव चार्ज वाला आयन नहीं बनाएगा, यानी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकता है, देने की कंडीशन में है, और देने की कंडीशन में क्या है, Br माइनस से Br2 में कन्वर्ट होगा। Fe3 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लॉस नहीं करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर ये सिर्फ लेकर के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कंडीशन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe2+ बनाएगा। सॉलिड क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि रेडॉक्स कपल आपको यहाँ नहीं दिया गया, इसका मतलब आप Fe2+ कंसीडर करेंगे। तो ये बना Fe2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के, और Br- इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो गया Br2 लिक्विड में। अब चलते हैं सेल, ये एनोड का काम कौन करेगा, कैथोड का। Fe3+ से क्या बन रहा है, Fe2+ बन रहा है, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो इस केस में ये काय का काम करेगा,
कैथोड का काम करेगा। बी आर माइनस से बी आर टू बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा मतलब बी आर माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड का काम करेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको ई जीरो वैल्यू देख करके डिसाइड नहीं करना है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, रिएक्शन को देख करके आपको देखना है कि क्या है। अब आ जाइए, ई जीरो सेल निकालना है, तो ई जीरो सेल इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है आपका एफई, एफई कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट, और माइनस एनोड है आपका बी आर, बी आर की वैल्यू कितनी है, बी आर टू की वैल्यू दी गई है आपको ये 1.09, तो ये हो गया 1.09 वोल्ट। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ रहा है आपका जीरो सेल माइनस में आ रहा है, देखिए क्योंकि ये संख्या बड़ी है माइनस में आ रहा है, तो जब इसको आप घटाएंगे इस तरह से क्या आया 9 में 7 गया 2, इधर आया 9 में 7 गया 2 और 0.22 वोल्ट माइनस का आ गया, 0.32 वोल्ट, 0.32 वोल्ट वो भी माइनस में आया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में आपका जवाब आ रहा है, ई जीरो सेल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ई जीरो सेल माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज नॉट फीसिबल। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए आप इसमें देन ये वाला फोर्थ में क्या कंडीशन बन रही है, एजी सॉलिड से एफ ई थ्री प्लस बन रहा है, तो एजी सॉलिड प्लस एफ ई थ्री, एजी सॉलिड और एफ ई थ्री प्लस दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है पता नहीं है। देखिए सिचुएशन क्या कह रही है, एजी सॉलिड इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि दे सकता है, अभी की सिचुएशन में एजी सॉलिड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो एजी माइनस चार्ज बनाएगा, जो कि मेटल कभी नहीं बनाते नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की कंडीशन में है। और ये क्या करेगा, Fe3+ इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता क्योंकि Fe3+ ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसकी, तो Fe2+ में जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये कंडीशन क्या बन रही है, प्रोडक्ट में Ag+ बनेगा और Fe2+ बनेगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag से Ag+ बन रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe3 एफ ई टू प्लस बन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये काय का काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा ए जी। अगर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये साल्ट ब्रिज हो गया, एनोड ये वाला एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर एजी सॉलिड से एजी प्लस बनेगा, और कैथोड पर क्या होगा, एफी थ्री प्लस एक्वस से एफी टू प्लस एक्वस बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये साल्ट, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा किस बात पर, ई जीरो सेल पर डिपेंड करेगा। तो अब हम इसका ई जीरो सेल कैलकुलेट कर लेंगे, ई जीरो सेल इस रिएक्शन का होगा ई जीरो सेल इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। कैथोड कितना है, कैथोड इसमें क्या था, एफ ई थ्री प्लस यानी आयरन का कैथोड कितना है 0.77 वोल्ट, और ई जीरो एनोड यानी सिल्वर का है कितना 0.80 वोल्ट, तो ये कितना आया माइनस 0.03 वोल्ट आ गया, ई जीरो सेल माइनस आ गया इसका वैल्यू, इसका मतलब नॉट फीजिबल। तो बच्चों इस तरह से हमको देखना होता है। देन नेक्स्ट है
Br2 एंड Fe2 प्लस में क्या होगा? तो Br2 एंड Fe2 प्लस में देखिए, अभी की कंडीशन में क्या हो रहा है, Br2 इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस चार्ज बना सकता है, Br2 इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन तो नहीं बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो। और Fe क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन वाला हायर यानी Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ क्या बन गई, Br माइनस बन गया एंड Fe3 प्लस बन गया, ठीक है। तो अब देखिए Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तभी तो प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ये एनोड का काम करेगा, और Br2 में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में, माइनस चार्ज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके बढ़ेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, Br2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये काय का काम करेगा, ये करेगा, यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ इसका मतलब ये कैथोड का काम करेगा, ठीक। तो अगर इससे बनी हुई सेल रिप्रेजेंट करने के लिए आती है तो ये हो गया साल्ट ब्रिज, ये कैथोड, ये एनोड, एनोड पर क्या होगा, Fe2 प्लस एक्वस कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस एक्वस में, और कैथोड पर क्या होगा, Br2 लिक्विड कन्वर्ट होगा Br माइनस एक्वस में। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखे जाते हैं, ये टू ये टू ये कभी भी यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट आया E0 सेल क्या होगा, E0 सेल देखिए, E0 सेल हुआ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड की वैल्यू कितनी हो गई, कैथोड कैथोड है यहाँ पे Br2, इसकी वैल्यू 1.09, और एनोड Fe2 प्लस है, इसकी वैल्यू है 0.77 वोल्ट, तो ये आ गया 0.22 वोल्ट आ गया। E0 सेल पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया E0 सेल, इसका मतलब रिएक्शन विल बी फिजिबल। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस ये करेंगे तो रिएक्शन फिजिबल हो ही जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपका ये डाउट जो है इस क्वेश्चन का ख़त्म हो गया होगा। आज के लिए इतना, कल मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ।